हेलो स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया मैलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है। गोल्ड का एग्जांपल दिया था, गोल्ड अगर हम लेते हैं 2 ग्राम, तो 2 ग्राम लेते हैं, 2 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम लेते हैं, तो उसमें से हम 2 किलोग्राम लेंथ का हम वायर बना सकते हैं उसमें से। तो ये जो नेचर है उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। और मैलेबिलिटी किसको बोलते हैं, कोई मेटल है उसकी हम अगर थिन शीट बना सकते हैं तो उसका नेचर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे मैलेबिलिटी। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। ये एक्टिविटी करी जिसमें यहाँ पे 2 क्लिप दी है फिगर में, क्लिप ए एंड बी, दोनों के बीच में हम मेटल्स या तो नॉन मेटल रखेंगे और उसमें से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी मेटल है वो गुड कंडक्टर है और कौन सी पुअर कंडक्टर है। तो एक्टिविटी के थ्रू पता चला सिल्वर एंड कॉपर इज मोर कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर, एंड लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर। बाद में जो वायर बनाते हैं मेटल में से, वो वायर के आसपास कोटिंग होता है, वो पीवीसी का होता है, पॉलीविनाइल फ्लोराइड उसका फुल फॉर्म है, रबर लाइक मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास नहीं कर सकता, इंसुलेटर है उसमें से करंट पास नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट दिया था नॉन मेटल्स वाला कि नॉन मेटल्स है वो जनरली सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होती है। एक ही नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में है जिसका नाम है ब्रोमीन। और आज के लेक्चर में ये देखा कि नॉन मेटल या तो मेटल, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती है, ये हमें देखना है। तो चलो कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, कॉल है, ग्रेफाइट है, या तो हम ले लेते हैं सल्फर और आयोडीन को। एक्टिविटी करते हैं 3.1 टू 3.6 तक। दिस नॉन मेटल्स रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब ये नॉन मेटल है उसका हमें ऑब्जर्वेशन करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 में ये सब ऑब्जर्वेशन है वो दिया है, वो हम देखेंगे। डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द क्लास। अब जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल की, वो हमें डिस्कस करनी है। यू मस्ट हैव कॉन्क्लूड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन एज देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सब मेटल में से मर्क्यूरी है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, वो तो पता ही है कि सब मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में ही है, पर ये मर्क्यूरी है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, पर अगर हम टेम्परेचर थोड़ा उसका इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, जो थर्मोमीटर में हम यूज करते हैं मर्क्यूरी को, या तो हम कोई इलेक्ट्रोड में भी मर्क्यूरी यूज करते हैं, उसका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो इलेक्ट्रोड जो कंडक्टिविटी या तो पीएच की बात करते हैं, पीएच का जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो मर्क्यूरी वाला, या तो पोटेंशियो की बात करते हैं, पोटेंशियोमीटर में इलेक्ट्रोड यूज करते हैं मर्क्यूरी वाला। एक्टिविटी 3.5, यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। हर एक मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर है, वो एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा, पर गैलियम सीजियम दोनों का मेल्टिंग पॉइंट लो है। अगर आप उसको अपने पाम में रखोगे तो डायरेक्ट वो मेल्ट हो जाएगी, तो ये याद रखना है, सीजियम एंड गैलियम दोनों का मेल्टिंग पॉइंट लोअर है। सेकेंड है, आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। आयोडीन है वो नॉन मेटल है, पर उसका नेचर कैसा होगा, चमकीला मुलायम है, ग्रेन्यूल फॉर्म है, वो आप सर्च करके देख लेना गूगल में, क्योंकि उसका नेचर या तो कलर कैसा है, चमकीला है और ब्राउनिश कलर है। कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन है नॉन मेटल है और डिफरेंट फॉर्म में वो एग्जिस्ट है। चैप्टर नंबर 4 में हम अच्छी तरह से इसको देखेंगे, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे दिया है डायमंड एंड ग्रेफाइट, और थर्ड है बकमिंस्टर फुलरेन। तो उसके स्ट्रक्चर के साथ हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, कार्बन कार्बन के बीच का अंतर कितना होगा, एक लेयर या तो दूसरे लेयर है उसके बीच में। बकमिंस्टर फुलरेन में हमने देखेंगे कि दोनों के बीच में इसका डिस्टेंस कितना होगा, वो सब देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन का जो एलोट्रोप्स है वो हार्ड है और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। ग्रेफाइट एंड अनदर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट है और दूसरे
इलेक्ट्रॉन से कार्बन के, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्टर है। फोर्थ है अल्कली मेटल, लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ ए नाइफ। लिथियम है, सोडियम पोटेशियम, तीनों को हम नाइफ से कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट है। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, दोनों तीनों की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट लोअर है, ये याद रखना है। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि इसके थ्रू हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स या तो नॉन मेटल्स की हम बात करें तो काफी डिफरेंट है, मेटल टू मेटल या तो नॉन मेटल टू नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसके थ्रू हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल से। एक्टिविटी 3.58 में क्या कहा है देख लेते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन वाला हमने देखा था, टेक मैग्नीशियम रिबन एंड सल्फर पाउडर, बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एस फॉर्म एंड डिसॉल्व देम इन वाटर। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, बर्नर में एस कलेक्ट करते हैं और उसमें वाटर डालते हैं, तो उसमें से क्या बनता है वो हमें देखते हैं। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। टेस्ट करेंगे तो उसका नेचर कैसा आएगा। ऑब्वियस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एस है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कंटेंट है, उस कंटेनर है उसमें उसमें, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम वाटर डालेंगे तो उसका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। तो ये जो रेड लिटमस पेपर है या तो ब्लू लिटमस पेपर है, तो बेसिक नेचर बताएगा। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो एसिडिक होगी कि बेसिक होगी वो हमें देखना है, तो बेसिक नेचर होगा उसका। नाउ बर्न द सल्फर पाउडर प्लस द टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर और पेपर टू कलेक्ट द फ्यूम प्रोड्यूस्ड। सल्फर पाउडर को टेस्ट ट्यूब में लिया, बर्न करेंगे, उसमें से फ्यूम्स जनरेट होगी और फ्यूम्स जनरेट होती है उसको हम कलेक्ट करेंगे दूसरी टेस्ट ट्यूब में। इसमें क्या डालेंगे? वाटर डालेंगे और शेक करेंगे। बाद में टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, ये जो सॉल्यूशन है उसमें हम ब्लू या तो रेड लिटमस पेपर इस अंदर डिप करेंगे और देखेंगे कलर में क्या चेंजेस आता है, तो हमें वो मिलेगा एसिडिक नेचर। कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, आप राइट लिख सकते हैं कि इसके इक्वेशन, तो इक्वेशन आपको बता देंगे। मैग्नीशियम वाला आपको पता है और सल्फर वाला मैं भी पता नहीं है, तो आपको मिल जाएगा। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है, ठीक है, प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोडक्शन करता है एंड डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व होता है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल होगी वो बेसिक ऑक्साइड देगी और अगर उसमें वाटर डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाती है, वो ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 या तो 1 में देख लिया है। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन, ओके। क्वेश्चन दिए है, ये आपको होमवर्क में करना है और मुझे भेजना है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शंस 3.2.1 to 3.2.4 तक। फॉर दिस कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स, ये कलेक्शन करना है मेटल का, एल्यूमिनियम है, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। फर्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर, जब कोई मेटल है उसको हम एयर में बर्न करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है। मैग्नीशियम वाला एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर, सब मेटल इस तरह से रिएक्शन होती है सब मेटल की डेजलिंग वाइट फ्लेम की तरह से नहीं होगी, वो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, ये एक्टिविटी देख लेते हैं। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टंग एंड ट्राई टू बर्निंग ओवर अ फ्लेम रिपीट विद द अदर मेटल, सेम हमने मैग्नीशियम का प्रैक्टिकल करा है, इस तरह से सब मेटल लेकर करना है। कलेक्ट द प्रोडक्ट इस फॉर्म, जो एश का फॉर्मेशन होता है उसको कलेक्शन करना है। लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, ये जो प्रोडक्ट है उसकी सरफेस होगी उसको हम कूल होने देते हैं। विच मेटल्स बर्न इजीली, कौन सी मेटल इजीली बर्न होती है वो देखना है। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, जब मेटल बर्न होती है तब फ्लेम का कलर चेंज होगा, तो वो कलर कौन सा है वो आपको देखकर ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, बर्न होने के बाद, बर्निंग के बाद मेटल की सरफेस कैसी रहेगी ये भी ऑब्जर्व करना है। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन,
सब प्रैक्टिकल करके बाद रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ कैसी रही वो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल को अरेंज करनी है। आर दी प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है वो भी देखना है। तो एक्टिविटी करी नहीं है जो इसमें दिया है वो याद रखना है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ये पता है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड, ब्लैक ऑक्साइड बनाता है। कॉपर एयर की प्रेजेंस में पता है ऑक्साइड का लेयर बना लेता है और वो कलर उसका होता है कॉपर टू ऑक्साइड का, ब्लैक कलर होता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एयर की प्रेजेंस में ऑक्साइड लेयर बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। ये लेयर होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा, इजीली उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और एक इम्पोर्टेंस इसका एडवांटेज ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कि ये फर्दर ऑक्सीडेशन एक बार लेयर बन जाता है बाद में ये आसानी से टूटता नहीं है, तो इस फर्दर ऑक्सीडेशन इसका नहीं होगा, अंदर अंदर एयर नहीं पहुंचेगी तो साफ है कि उसमें अंदर ऑक्सीडेशन फिर से नहीं होगा, मीन्स फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। और कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड लेयर बनाता है पर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है, आसानी से वो निकल जाता है, बाद में फर्दर ऑक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये एडवांटेज है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। चैप्टर टू में हमने देखा हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो रिएक्शन कैसी होती है। वी हैव लर्नड दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इटीसी शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। तो एसिडिक और बेसिक के बारे में हमने सुना था, पर दोनों नेचर हो प्रेजेंट कोई भी ऑक्साइड में, यहाँ पे बोला है जिंक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दोनों का नेचर कैसा है एसिडिक एज वेल एज बेसिक है वो प्रैक्टिस ऑलरेडी हमने एक्टिविटी करी है या तो रिएक्शन आपको दे दी है सेकेंड चैप्टर में। तो क्या बोला है कि उसका जो नेचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक नेचर है उसका, एसिडिक और बेसिक नेचर कोई एक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो उसको एम्फोटेरिक बोलेंगे। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉर्म ऑफ मैनर विद एसिड और बेसिस, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है 6 mol, क्या बनता है AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और साथ में 3 mol वाटर के मिलते हैं। सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन 2 mol NaOH के साथ करते हैं, क्या मिलता है हमें सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2O हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। दो रिएक्शन ये याद रखनी है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड या तो बेस के साथ रिएक्शन इसकी होती है तो उसमें से क्या बनता है, ये बताया एम्फोटेरिक नेचर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली, ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड है वो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं है, पर यहाँ पे दिया है कि जो अल्कली मेटल है वो उसका ऑक्साइड होगा तो वो इजीली सॉल्युबल होगी। तो देखते हैं सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये भी ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ऑक्साइड है अल्कली मेटल का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, ऑक्साइड होगा वाटर डालेंगे इसमें से तो उसमें से हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में काफी ज्यादा है और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली फॉर्मेशन करता है हाइड्रोक्साइड का तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होगा उसका। वी हैव ऑब्जर्वड इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, हर एक मेटल सेम रेट से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये हमने देखा। डिफरेंट मेटल्स शोस डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मेटल सजेस्ट पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रेसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, अगर हम उसको ओपन में ओपन रखेंगे कोई सॉल्वेंट का लेयर उस पर नहीं रखेंगे तो डायरेक्ट वो क्या करता है फायर को कैच करता है, फायर जनरेट होती है डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो फायर जनरेट होती है। टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, ये एक्सीडेंट ना हो प्रिवेंट करने के लिए, फायर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर एक लेयर रखेंगे कौन सा, केरोसिन ऑयल रखेंगे, इसलिए फायर वाटर ऑक्सीजन की कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा सोडियम या तो पोटेशियम तो फायर का कोई इश्यू नहीं रहेगा। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑक्साइड, ये पता है हमें
कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है, एयर की प्रेजेंस में ये ऑक्साइड का लेयर बना लेता है मेटल्स. द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड्स लेयर्स प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्थर ऑक्सीडेशन. अब ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड ये तीनों की बात करी है, चारों की, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड है. ये चारों के चारों ऑक्साइड जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है वो फर्थर ऑक्सीडेशन होने नहीं देता, प्रिवेंट करता है, ऐसा बोला है. तो ये याद रखना है कि एक बार एक लेयर बन गया ऑक्साइड का तो फर्थर ऑक्सीडेशन होने नहीं देता, प्रिवेंट करता है. और नेक्स्ट हम और भी इसके बारे में देखेंगे. सो थैंक यू सो मच.